हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज अपन जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, बॉन्ड पैरामीटर्स हैं, उसी के अंदर है एक नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में है, और वो आज है बॉन्ड स्टेबिलिटी। बॉन्ड स्टेबिलिटी स्टूडेंट, जो बॉन्ड स्टेबिलिटी है, इसका दूसरा जो नेम है वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ है। जो बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, उसके लिए मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताई हैं, उसको आप यहाँ पर देखिए। अगर अपने को बॉन्ड ऑर्डर का अगर के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ये बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर बॉन्ड लेंथ मोर होगी तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? लो होगा। बॉन्ड लेंथ अगर लो होगी तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? मोर होगा। बॉन्ड लेंथ जो होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी सभी देखिए सभी क्या है, दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और बॉन्ड एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्टेबिलिटी भी क्या होगी? उसकी इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या है? बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड स्टेबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज यहाँ पर होगी। ओके, बात करें दूसरा फैक्टर साइज। अगर एटम का साइज बढ़ता है तो साइज बढ़ने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो अपने को यहाँ पर देखना है। साइज से रिलेटेड एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर है परसेंट एस करेक्टर। ये भी एक बॉन्ड पैरामीटर है। परसेंट एस करेक्टर होता क्या है, उसको आप देख लीजिए कि परसेंट एस करेक्टर जो होता है ये क्या पॉइंट है, परसेंट एस करेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। इस वाले मॉलिक्यूल को अपन देखें तो CH4 है, इसका नाम है मेथेन। क्या नाम है इसका? मेथेन। एक मॉलिक्यूल मेरे पास में C2H4, इसका नाम है एथीन। क्या नाम है? एथीन। ये आपके पास में मेथेन, ये क्या है? मेथेन। एक कार्बन है, इस चीज का नाम है एथीन। और ये आपके पास में तीसरा मॉलिक्यूल है C2H2, इसका नाम है एल्काइन एथीन। ये है इथाइन। क्या कहलाएगी? इथाइन। ओके, अब यहाँ पर देखिए, इस वाले के अपन नॉर्मली देखें तो यहाँ पर परसेंट एस करेक्टर कौन से वाले में ज़्यादा होगी, ये यहाँ पर आपको निकालना है। इस वाले में अपन देखिए तो स्टूडेंट, इसमें एक होता है हाइब्रिडाइजेशन जो होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसको अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर ही बस अपने काम के लिए इसको याद रख लो। इसमें sp3 है, इसमें sp2 है, और इस वाले के अंदर क्या है? sp। ओके, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये sp2 sp3 फिलहाल आपको यहाँ पर याद रखना है, बाकी इस टॉपिक के बाद अपने आएगा वहाँ बातें करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है बीबीटी के अंदर। sp वाले में देखें तो s और p दो ही ऑर्बिटल हैं यहाँ पर, तो एवरी ऑर्बिटल 50-50% है क्या? तो यहाँ पर परसेंट s करेक्टर कितना है? 50%। कितना है? 50%। इस वाले में ऐसा कितना होगा? एक s है, दो p है, तीन हो गए यहाँ पर, तीन ऑर्बिटल यहाँ पर है। तो तीन ऑर्बिटल होने का मतलब है एस वाले के लिए कितना आएगा? 33, लगभग 33% यहाँ पर एस करेक्टर है। और sp3 वाले में अगर बात करें तो चार ऑर्बिटल, तीन पी और एक एस वाला, कितने हो गए? 4 ऑर्बिटल से यहाँ पर हो गए। परसेंट एस करेक्टर कितना हो गए? 1/4 का मतलब एस के पार्टनर में कितना आ रहा है? 25% यहाँ पर आ रहा है। तो अब आप देखिए, यहाँ पर इस वाले में एस करेक्टर कितना है? 25% है CH4 के अंदर, एक कार्बन वाले में। इसमें दो कार्बन है, यानी ये तीन है, डबल बॉन्ड वाला है, तो उसमें क्या मिलेगा आपको? sp2 मिलेगा। और ट्रिपल बॉन्ड वाला तो क्या मिलेगा? sp3 होता है। इसका मतलब क्या हो गया? कार्बन अगर सिंगल बॉन्डेड है तो कौन सा होगा? वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या होगा? ये आपके पास में है, उसमें परसेंट एस करेक्टर कितने होंगे? 33% होंगे। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, जस्ट लाइक इसकी तरह, इथाइन की तरह ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो इसमें परसेंट एस करेक्टर कितना होगा, अगर ये डबल बॉन्ड करेक्टर है तो इसमें परसेंट एस करेक्टर कितना होगा, और अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो इसमें परसेंट एस करेक्टर कितना होगा। ये अपने को यहाँ पर याद रखना ही पड़ेगा, इस वाले कंपाउंड में कितना परसेंट एस करेक्टर पाया जा रहा है, ये आपको माइंड में सेट होना ही चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर नॉर्मली परसेंट एस करेक्टर का साइज पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए यहाँ पर परसेंट एस करेक्टर अगर इंक्रीज होते हैं स्टूडेंट, तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? अगर इस वाले में देखिए CH4 C2H4 C2H2 में अगर अपन देखें तो ऊपर से नीचे आने पर, अप टू डाउन आने पर साइज क्या हो रहा है यहाँ पर? साइज क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? डिक्रीज हो रहा है। साइज क्या हो रहा है यहाँ पर? डिक्रीज हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर परसेंट एस करेक्टर जो है, परसेंट एस करेक्टर वो इंक्रीज हो रहे हैं क्या?
परसेंट एज करेक्टर क्या हो रहे हैं यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। देख लीजिए आप परसेंट एज करेक्टर 25 थे 33 हो गई 50% हो गए यहाँ पर, तो परसेंट एज करेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं कि अपटे डाउन आने पर सी एस फोर्स की तरफ आने पर। यस क्यों, क्योंकि साइज क्या हो रहा है यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। अब आप देखिए अगर परसेंट एज करेक्टर कम है तो क्या लिंक होता है, तीसरा ट्रिक अपने पास में यहाँ पर है कि परसेंट एज करेक्टर अगर लो है तो साइज क्या होगा उसका बड़ा होगा, बिग साइज होगा। परसेंट एज करेक्टर क्या उसमें लो है, परसेंट एज करेक्टर लो पाए जा रहे हैं तो साइज क्या होगा उसका बड़ा होगा, बिग साइज होगा। जिसका साइज बड़ा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी कम होगी, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी उसकी कम पाई जाएगी। इसका मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर है, वो बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम चाहिए आपको, लो क्वांटिटी के अंदर चाहिए। बॉन्ड साइज बड़ा ही हो गया तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी बहुत कम देनी पड़ेगी। छोटा साइज तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, साइज जो होता है किस पे डिपेंड कर रहा है, बॉन्ड एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मुझे बताओ अगर अपने को पता है कि बॉन्ड एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, ये रहा बॉन्ड एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड की स्टेबिलिटी पे। इसका मतलब है अगर बॉन्ड की एनर्जी जो है वो ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी बॉन्ड की, बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी क्या होगी स्टूडेंट्स ज्यादा होगी, मोर होगी। इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी मोर होगी, यानी पावरफुल बॉन्ड होगा। किस पे डिपेंड किया, ये वन बाई वन एक एक जो अपने पास बॉन्ड पैरामीटर है उनको लिंक करना आपको नेसेसरी है। अगर आपको एक यहाँ पर आपको पैरामीटर दे रखा है स्टूडेंट्स तो दूसरा पैरामीटर आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर दे रखा है तो बॉन्ड लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी निकाल सकते हो और बॉन्ड स्टेबिलिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं किसी एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है, इससे आप बेटर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एक रेफरेंस एग्जाम्पल आपको माइंड के अंदर इसको रखना है कि सभी लिंक को अगर आपको लिंक करना है तो एक माइंड के अंदर होना ही चाहिए। ये एग्जाम्पल अब यहाँ पर प्रिफर्ड कर सकते हो, एक CH4 है C2H4 है यानी मेथेन है एथीन है रेथाइन है ये मॉलिक्यूल्स, इसमें सिंगल बॉन्ड है कार्बन में, डबल बॉन्ड पाया जा रहा है और ट्रिपल बॉन्ड अगर पाया जा रहा है एटम्स के बीच में, तो वहां पर परसेंट एस करेक्टर कितने होंगे ये आपको मालूम होना चाहिए। परसेंट एस करेक्टर निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, एक्सप्लेन कर दिया मेथड। परसेंट एस करेक्टर अगर आपको यहाँ से कैलकुलेट करना आ गया तो आप साइज का मालूम कर सकते हैं कि साइज किसका बड़ा हो किसका छोटा, ये ट्रिक मैंने यहाँ पर बता दी आपको। परसेंट कैश करेक्टर का क्या लिंक होता है साइज से, उसके बाद बात करें ये तो साइज अपना फैक्टर है, वो साइज फैक्टर है वो बॉन्ड एनर्जी के साथ में कैसे लिंक होता है, इसका मतलब क्या होगा लिंक जो होगा वो कैसे होगा स्टेप से। अगर मैं एक ही सार में बनाऊं तो उसको मैं ऐसे बना सकता हूं, इसके अगर मैं साइज फैक्टर को भी यहां जोड़ देता हूं तो देख लीजिए आप स्टेप से आपको मिल जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया इस वाले के रेस्पेक्ट में। और अगर इसको मैं और भी ज्यादा बढ़ा देता हूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं इसको परसेंट एस करेक्टर, ये रहे परसेंट एस करेक्टर ये वाले, ये लो एक ही जगह सारा सार अपना हो गया है, एक ही ट्रिक के अंदर अपन इसको कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जितना अपन ने अभी तक पढ़ा उसका सारा समराइज मैंने इस एक लाइन के अंदर कर दिया है। एक एक लिंक से आप सभी को लिंक करते हुए और एवरी पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया हुआ है, अगर मैं एक भी आपको यहाँ से वैल्यू गिवन है आपको क्वेश्चन में, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ तो आप उससे साइज बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्टेबिलिटी या बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में आप उसके बारे में बता सकते हो। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज की होती हैं बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर। ओके तो आपको ये सभी लिंक क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, अगर थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर होती है तो सभी ऑर्डर अपोजिट हो सकते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखना है। मोस्टली अपने को ध्यान रखना है नॉर्मल सी बात है कि बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन होता है, ये मोस्टली आपके माइंड में होना चाहिए। और जो बॉन्ड ऑर्डर के साथ में लिंक होगा वो सब प्रीपोजिशनल होंगे, सारे के सारे क्या होंगे समानुपाती होंगे, जिसमें कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं आने वाला है। जहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो साइज अपने आप ही बढ़ जाएगा, ये तो ऑलरेडी आप जानते हो नॉर्मल सी बात है, जब साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ तो बढ़ेगी साइज तो बढ़ेगा, ये नॉर्मल सी चीज है। तो सिर्फ अपने को ये ट्रिक याद रखनी है, इससे सारे बॉन्ड पैरामीटर अपने यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अपने कुछ ज्यादा लिंक नहीं करना है। एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स अपन दो चार पैरामीटर इनको पढ़ने के बाद फिर दो चार एग्जाम्पल्स लेके इसको एक एक पॉइंट को मैं वापस आपको क्लियर करूंगा। ओके थैंक यू सो मच।